एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बिगिनर्स को मेकअप कैसे करना चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगी कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या यूज़ करना है, सेकंड क्या करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेकअप कैसे करना चाहिए। जब भी आपको मेकअप करना हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम आधे घंटे पहले अपना फेस वॉश करना है। एकदम गीले फेस पे हमें मेकअप नहीं करना है, उसको ड्राई करके अच्छे से, और फिर उसके बाद हमें कोई भी कोल्ड क्रीम यूज़ करनी है। मैं ये कोल्ड क्रीम यूज़ करी ओरिफ्लेम की, जो डे केयर क्रीम है। तो आपका फेस चाहे तो ड्राई है, चाहे फिर आपकी ऑयली स्किन है, चाहे जो भी है, लेकिन आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा के ही मेकअप करना है। अदरवाइज़ वो बहुत ही वाइट वाइट दिखता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने कोल्ड क्रीम अच्छे से लगा ली है। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें। तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। फर्स्ट स्टेप हमारा मॉइस्चराइजर हो गया। सेकंड स्टेप आता है हमारा, हमें सबसे सेकंड स्टेप में हमें लगाना है प्राइमर। ये है हमारा लोटस का प्राइमर, इको स्टे परफेक्ट प्राइमर है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम थोड़ा सा प्राइमर अपने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्राइमर ले लिया है, और आप इसको फिंगर की हेल्प से ऐसे टैप टैप करके लगा सकते हैं, और इसको अच्छे से आप ऐसे प्राइमर लगाने से ये होता है कि हमारा जो मेकअप है वो थोड़ा सा लंबा, अगर हमें पूरा दिन पार्टी में रहना है या शाम सुबह से शाम तक भी हमारा मेकअप कहीं नहीं जाता है, तो इसलिए हम प्राइमर का यूज़ करते हैं। और बहुत ही अच्छा मेकअप आता है, बहुत ही अच्छा ग्लो जाता है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये हमारा लग गया है प्राइमर। तो हमारा सेकेंड स्टेप हो चुका है कम्प्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमारा आता है जी सीसी क्रीम, या फिर आप इसको कंसीलर बोल सकते हैं। तो इसकी, ये भी ओरिफ्लेम का है, जियोर्दानी गोल्ड है। हमने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, और जितने भी हमारे ये जो डॉट डॉट है हमारे फेस पे, इन सब पे हमें इसको अच्छे से अप्लाई करना है। जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं वो सारे के सारे से छुप जाते हैं। और इसको हमें अच्छे से टैप कर लेना है ऐसे, कभी भी आपको ऐसे नहीं रगड़ना है। ये हमें अच्छे से इसको अपनी स्किन पे लगा लेंगे। अगर आपसे ऐसे फिंगर से नहीं लगता है, मुझे ऐसे फिंगर से लगाना बहुत सही लगता है, अगर आपसे नहीं लगता है तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकती हैं या किसी पफ वगैरह का भी यूज़ कर सकती हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब पूरा ओवरऑल मेकअप हो जाएगा तो ये बहुत ही इक्वल दिखेगा। आपको यहाँ पे भी करना है ताकि आपकी गर्दन एकदम ब्लैक ना लगे, थोड़ा सा कानों पे। तो ये देखिए हमारा थर्ड स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में हम यूज़ करते हैं जी फाउंडेशन, जो कि है जियोर्दानी गोल्ड का, और ये मैं अपने स्किन पर थोड़ा सा लूँगी। तो ये देखिए मैंने अपने हैंड पर थोड़ा सा ले लिया है फाउंडेशन, और ये भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हमने कंसीलर और बेबी क्रीम यूज़ की है। और इसको भी हम अच्छे से ऐसे टैप कर लेंगे। ये देखिए फोर्थ स्टेप हमारा हो चुका है कंप्लीट फाउंडेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फिफ्थ स्टेप की तरफ। फिफ्थ स्टेप में हमारा आता है पाउडर। तो ये हमने ले लिया है जियोर्दानी गोल्ड का फेस पाउडर। तो ये आप देख सकते हैं
और इसको हम पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, जो मेन मेन एरियाज हैं बस उस पे हम अप्लाई करेंगे, पूरे पे हमें इसको अप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऐसे सेट करना है इसे। बस ये देखिए हमारा पाउडर पूरा लग चुका है, बहुत ज़्यादा हमें पाउडर नहीं लगाना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा सिक्स स्टेप। सिक्स स्टेप में हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ा सा हाइलाइटर, हाइलाइटर पूरे में यूज़ नहीं करना है आपको, एक पाउच सा बना के ऐसे बस इससे थोड़ा सा हमें टैप टैप कर देना है। अब हम चलते हैं अपने सेवेंथ स्टेप की तरफ। सेवेंथ स्टेप में ये है मेरा आई शेडर, रिवॉल्यूशन का है, ये नायका ब्रांड का है। तो अब हम यूज़ करते हैं, अपनी आईज़ का मेकअप करेंगे बहुत हल्का सा। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने ड्रेस से मिलता जुलता ले लिया है, लाइट सा पिंक कलर। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी आई साइड पे ऊपर तक आपको मेकअप अच्छा लगता है तो आप ऊपर तक करें, पर मेरे इसमें लाइन तक अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा केवल लाइन तक ही करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। अब जी हमारे लग चुका है आई शेड, आईज पे हमने थोड़ा सा पिंक ये लगा लिया है। अब उसके बाद हम हल्का सा गोल्डन टच लेंगे, जो क्रिएटिव वाला है ये वाली शेड, और थोड़ा सा हम अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये बहुत अच्छा लुक देता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम अपने यहाँ पे कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, बस हमें इतना ही लगाना है। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मस्कारा, तो हमें ऐसे इसको अच्छे से फोल्ड करना है, 50% लगाने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है सूखने का। सेम ऐसे हम दूसरी आईज पे भी अप्लाई करेंगे। अब ये थोड़ा इधर का सूख गया है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये डबल कोटेड में बहुत अच्छी हमारी आईज लगने लगती है। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी लगती हैं आई लैशेज। और अब हम नीचे थोड़ा सा इसको अप्लाई कर देंगे, नीचे हमें बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस थोड़ा सा ही यूज़ करना है। ये देखिए कि अब कितना अच्छा लगने लगा है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा आईलाइनर का, तो अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे आईलाइनर। अगर आपकी आईज़ पे आईलाइनर अच्छा नहीं लगता है तो आप ना यूज़ करें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा आईज़ को ऐसे करके ये देखिए एक आईज पे कितना अच्छे से लग चुका है। अब सेम हम ऐसे ही दूसरी आंख पे भी लगा लें। अब हमारा लग चुका है मस्कारा और आईलाइनर भी लग चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके बिना मेकअप बहुत अधूरा लगता है, तो वो है हमारा लिपस्टिक। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने लिप्स को, अगर ड्राई हो रहे हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेते हैं। ये हमने लगा लिया है, ये फोर एवर का हेलो लिप्स है। उसके बाद हम बेस में सबसे पहले ये लगाएंगे मैट की लिपस्टिक, इससे बहुत अच्छा थोड़ा ये लॉन्ग चलती है। ये हमने लगा लिया मैट की लिपस्टिक। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे ये कलर लाइफ की, ये बहुत अच्छी शेड है, तो मैं इसको ऊपर से ये
देखिए कितनी प्यारी शेड बन जाती है दोनों को लगा के। तो अब हमारा ओवरऑल मेकअप हो चुका है और हम आते हैं अब रेडी होके, तो मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेकअप अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अपने फीडबैक मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।